हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं खुसरो और आप देख रहे हैं के टेक इंडिया। दोस्तों, मैंने बहुत वक्त पहले एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था क्लिक टेक, जिसमें मैं बताने वाला था फोटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैंने बताया था कि मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आज ही उस सीरीज़ का एक नया एपिसोड मैं बना रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद ज़रूर आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से DSLR की तरह पिक्चर्स किस तरह से क्लिक कर सकते हैं। वेल, मोबाइल के कैमरे भी आजकल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन DSLR के कैमरों में मैं मानता हूँ कि इमेज सेंसर बड़ा होता है, उनकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन स्पेशलिटी क्या होती है? स्पेशलिटी होती है उनकी ब्लरी बैकग्राउंड्स। मोस्टली लोग DSLR से पिक्चर इसीलिए क्लिक करते हैं ताकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लरी आ जाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ब्लरी बैकग्राउंड अपने मोबाइल से ही क्लिक कर सकते हैं, वो भी पिक्चर क्वालिटी को बिना लूज किए हुए, और आपको कोई एडिटिंग की जरूरत भी नहीं है फोटो में, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अपने मोबाइल से DSLR की तरह किस तरह से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और आपकी बैकग्राउंड जो है वो भी ब्लरी होगा और आपका पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो कैसे करना है वो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके, तो आपको अपने मोबाइल से DSLR जैसी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गूगल कैमरा। उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा गूगल कैमरा डाउनलोड करते वक्त, कि गूगल कैमरा जो है वो हर एंड्रॉयड वर्जन के लिए अलग है। मतलब आपके अगर मोबाइल में लॉलीपॉप है तो उसके लिए अलग है, जेली बीन है तो उसके लिए अलग है गूगल कैमरे का वर्जन, और अगर आप नूगट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए गूगल कैमरे का वर्जन अलग है। तो आप लोगों को वेबसाइट पर से गूगल कैमरा डाउनलोड करते वक्त ये चेक करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है और आप उसी के लिए गूगल कैमरा डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने फ़ोन के लिए गूगल कैमरा डाउनलोड कर रखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। चलिए, ये सामने कैमरा दिख रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। गूगल कैमरा ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक हैमबर्गर आइकन दिखेगा, उस पर आप देखेंगे तो फोटो स्फीयर, पैनोरमा, लेंस ब्लर, सेटिंग्स, ये ऑप्शन है। तो आपको DSLR जैसी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आपको लेंस ब्लर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो क्लिक करना है कोई भी। देखिए, मैं ये सामने बैटमैन का फोटो क्लिक करता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे नॉर्मल कैमरे से क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्लिक हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप DSLR जैसा किस तरह से क्लिक कर सकते हैं इसको। चलिए, मैं यहाँ से फोटो क्लिक कर लेता हूँ। फोटो क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है स्लोली रेज योर डिवाइस, कीप सब्जेक्ट सेंटर्ड। देखिए, मैंने डिवाइस को बहुत तेज़ मूव कर दिया तो लिखा हुआ है डिवाइस मूव टू फास्ट, तो इसलिए आपको स्लोली जो है आपको डिवाइस को अपने रेज करना है धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तभी आपका फोटो जो है वो क्लिक हो पाएगा। अगर आप बहुत तेज़ करते हैं तो नहीं हो पाएगा। आपकी बात देखिए, मैं दोबारा से फिर से करता हूँ। अब मैं स्लोली रेज करूँगा और इस बार जो है मेरा फोटो क्लिक हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसको फोटो पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ से फोटो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। रेंडर होता है इमेज, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका फोटो जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। देखा आपने, बैकग्राउंड जो है आपका एकदम ब्लरी हो गया है कितना ज़्यादा। इस तरह से आप देखेंगे इसको तो आपको थोड़ा सा DSLR वाला फील आएगा। मोबाइल से अगर आप क्लिक करेंगे नॉर्मल तो इस तरह का फोटो क्लिक नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन इससे करेंगे तो आपका जो फोटो है वो हल्का सा DSLR जैसा दिखेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप फोटो स्फीयर का भी ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फोटो स्फीयर जो होता है, इसमें आप मतलब बहुत सारे स्फीयर की तरह फोटो क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी सारे फोटो क्लिक करेंगे आप तो वो सबको राउंड करके एक स्फीयर जैसा बना देगा, और आप कैमरे को घुमा के देखेंगे तो आपको एक स्फीयर जैसा दिखाई देगा। उसके बाद फिर पैनोरमा भी है यहाँ पर। पैनोरमा से आप जानते होंगे पैनोरमा फोटोज़ क्या होता है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं। फिर सेटिंग्स वगैरह में भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपको बहुत सारे, मैनुअल एक्सपोजर वगैरह के, वो भी आप इसमें चाहें तो देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप ये कैमरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर HDR वगैरह के भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो HDR में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो मैंने इससे जो है फोटो क्लिक कर लिया है इसका, और एक मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्मल कैमरे से फोटो क्लिक करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल कैमरे के फोटो में और इस गूगल कैमरे के फोटोज़ में। तो ये दोनों पिक्चर जो है मैंने लगा दिए हैं एक ही फ्रेम में। लेफ्ट वाला पिक्चर जो है वो नॉर्मल कैमरे से क्लिक किया है मैंने अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरे से, और राइट वाला जो है वो गूगल कैमरे से क्लिक किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे गूगल कैमरे वाले पिक्चर को तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्लर्ड है, और नॉर्मल कैमरे के जो है पिक्चर में उसमें इतना ब्लर्ड नहीं है बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है और आप इस तरह से फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, मतलब अपने फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, तो आप इस गूगल कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और एक बात और, ये जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं अभी दोनों फ़ोटोज़ डिम लाइटिंग कंडीशन में क्लिक किए हैं। अगर आप बाहर जाके धूप में या सनलाइट में क्लिक करेंगे, नेचुरल लाइट में, तो आपके फ़ोटोज़ और अच्छे आएंगे इससे गूगल कैमरे से। एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डाउनलोड करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप कौन सा गूगल कैमरा आपके एंड्रॉइड वर्जन में सपोर्टेड है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।